यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानाम् सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। ये जो चक्रव्यूह है ये जैसा कि गांव में होता आया है वही हम आपके सामने लाए हैं। थोड़ा हमने इसको कसा है, थोड़ा हमने इसको माधुर्य दिया है, हमने इसकी जो कॉस्ट्यूम है उसको और साफ सुथरा रखा है, इसकी जो अभिनय है उसको गति दी है। आप देखेंगे कि ये एक रिचुअल, एक कर्मकांड से उभरता है। पांडवों के लिए कर्मकांड कोई पूजा नहीं, सुमुखस्य एकदंतस्य नहीं है, कुछ भी नहीं। पांडवों का कर्मकांड सिर्फ दिन में दो बार पांडव नृत्य होता है, तो वो पांडव नृत्य गांव के चौक में होता है और अचानक कौरव पक्ष से एक दूत आता है कि तुम्हें चक्रव्यूह में लड़ने का वो चैलेंज मिला है, चुनौती मिली, और वहाँ से फिर ड्रामा उभरता है। ड्रामा चलता जाता है, नाटक चलता जाता है, और फिर दूसरे पक्ष पे फिर अनुष्ठान उभर आता है, रिचुअल उभर आता है। अभिमन्यु मर गया है क्योंकि उसकी सिम्बॉलिक डेथ हो चुकी है, प्रतीकात्मक मौत हो चुकी है तीर से। इसलिए हमारे यहाँ ये परंपरा है कि उसके ऊपर एक जमाने में बकरी घुमाई जाती थी और फिर बकरी की बलि दी जाती थी। आज बकरी की बलि तो नहीं दी जाती है, लेकिन श्रीफल जरूर फोड़ा जाता है। इस तरह से इस परंपरा में जो गांव के हमारे ढोल वादक हैं, बंकोरा वादक हैं, ये सब लोग डरते हैं क्योंकि इस चक्रव्यूह में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है पांडव लीला में और वो रिचुअल डेथ है, इसलिए वो जगह जगह पे कर्मकांड करवाते हैं। गाँव में भी करते हैं तो थोड़ा बहुत हमने रखा है, क्योंकि जो लड़का चक्रव्यूह का रोल करता है, अभिनय करता है, उसके माँ बाप हमें स्पेशल डायरेक्शन देते हैं कि हमारे लड़के को कुछ नहीं होना चाहिए। जब वो नीचे गिरे मारा जाए तो उसके ऊपर नारियल जरूर घुमा दें। आप देखेंगे, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। पांडव नृत्य में 40 से लेकर 48 तक ऐसे लोक नाटक होते हैं, परंपरागत नाटक होते हैं, और उनमें से एक चक्रव्यूह है, क्योंकि ये विशेष इसकी कथा वस्तु के आधार पर विशेष आकर्षक है, इसलिए हमने इसे चुना है। और ये हमारा जो अभिमन्यु है वो महाभारत के अभिमन्यु की तरह परम शौर्यशाली वीर, इतना वीर तो है लेकिन लोग उस अभिमन्यु पे ऐसे देखता है जैसे एक माँ का बेटा 17-18 साल में फौज में भर्ती हो गया हो और वहाँ फौज में उसे धोखे से किसी ने मारा हो, दुश्मनों ने मारा हो। तो इसका जो बेसिक, जो मूलभूत रस है, आधारभूत रस है, करुणा है, और माँ की आँख के से हम देख रहे हैं एक बच्चे की मृत्यु और उसका शोक। धन्यवाद। ए आज लांदा मेरा भाई औंदा पर की बात, आज लांदा मेरा भाई औंदा पर की बात, आज लांदा मेरा भाई औंदा पर की बात, ए आज लांदा मेरा भाई औंदा पर की बात, द्वापर की बात लांदा, द्वापर की बात। परमा हुए छयो कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार भयो कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार भया कौरव पांडवा, कृष्ण अवतार भया कौरव पांडवा, कौरव पांडव छया सोरा भारा, दादा चो शांतनु तो की
दादी सत्यावती हे दादा छो शांतनु तो की दादी सत्यावती हे दादा छो शांतनु तो की दादी सत्यावती हे दादा छो शांतनु तो की दादी सत्यावती एकी गोत्र जात छयो एकी छो कुटुंब राज का खातिर तो मावे गे लोण लोट्या राज का खातिर तो मावे गे लोण लोट्या बेका प्यासा होया छया आलू खायो मासो राज का खातिर जुड़े युद्ध करो क्षेत्र हे राज का खातिर जुड़े युद्ध करो क्षेत्र सेना की अक्षौणी जुड़े लाखों रया खेता कर्ण मर्या मर्या दुशासन हे द्रोण भीष्म कर्ण मर्या मर्या दुशासन लक्ष्मण जयद्रथ मर्या मर्यो दुर्योधन हे कौरव को वंश वये समूल वीणास हे कौरव को वंश वये समूल वीणास पांडवों को वंश बचे कृष्ण जी की आसा चक्र व्युरंचाए युद्ध का तेरवा दिन चक्र व्युरंचाए गुरु द्रोणाचार्य तेन चक्र व्युरंचाए छयो संसप्त को माझा हरित दिन अर्जुन छयो संसप्त माझा कृष्ण जी सारथी छया वायु खंड माझा बटी कागली पहुंची गे एक और दल माज बल कागली पहुंची गे चक्र व्यू भेदन को न्यो तो भेजा ले एक कनखेरिया संद आई पांडव दल माज एक कनखेरिया संद आई पांडव दल माज ओ जोधा जालो आज चक्र व्यू भेदना अभिमन्यु छयो चक्र व्यू जान दो हे बालो अभिमन्यु छयो चक्र व्यू जान दो सुभद्रा का गर्भ बटी विद्या सीखे आए छह द्वार तोड़ी कबीर सातों द्वार ऐछे हर छह द्वार तोड़ी कबीर सातों द्वार पहुंचे हे छह द्वार तोड़ी कबीर सातों द्वार पहुंचे हर छह द्वार तोड़ी कबीर सातवां द्वार पहुंचे सातवां द्वार पर वही जवानी को खैकारा सनमुख सनमुख ते कथा सुनो दो आज सनमुख सनमुख टक लगे सोना भयो डोला झूला